नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम द्विबीजपत्री तने में सामान्य द्वितीयक वृद्धि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम द्विबीजपत्री तने में सामान्य द्वितीयक वृद्धि। सामान्यतः हम सभी देखते हैं कि उच्च वर्गीय पौधों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अंतर्गत द्वितीयक वृद्धि का पाया जाना उनका एक महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक लक्षण है। द्विबीजपत्री पौधों में विशेष बहुवर्षीय शाख झाड़ियां एवं वृक्षों में जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, इसके साथ ही इनकी लंबाई एवं मोटाई में वृद्धि होती है एवं इनकी सहवन संबंधी आवश्यकताएं एवं सुरक्षात्मक परत के निर्माण की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। सुरक्षात्मक आवश्यकताएं एवं सहवन संबंधी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पौधों में है जो दो विशेष प्रकार की द्वितीयक विभाजितकों का निर्माण होता है, जिसे हम एदा कहते हैं। यह एदा इसकी उत्पत्ति एदा की उत्पत्ति सहवन एदा दो प्रकार का होता है, जैसे आप देख रहे हो सहवन एदा और काक एदा। सहवन एदा की उत्पत्ति सहवन क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद सहवन बंडलों के बीच में उपस्थित प्रोकेम्बियम कोशिकाओं से होती है, जबकि काक एदा की उत्पत्ति बाह्य रंभीय क्षेत्र अर्थात बाह्य त्वचा से लेकर के एंडोडर्मिस के बीच की कोशिकाओं कोशिकीय क्षेत्र में से किसी भी स्तर की मृद्वकीय कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एधा जो कि एक प्रकार का द्वितीयक प्रकार का विभाजक है, जो कि द्विबीजपत्री तनों में सामान्य द्वितीयक वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से हो सकती है, सहवनी क्षेत्र में होगी तो उसको हम सहवनी एधा कहेंगे, अगर काक क्षेत्र सॉरी अगर रंभ के बाहर की तरफ होती है बाह्य रंभीय क्षेत्र में तो हम इसे काक एधा कहते हैं। अब सहवनी एधा है उसके अंतर्गत भी उनकी प्रकृति के आधार पर एधा दो प्रकार का है, पुलीय एधा और अंतरपुलीय एधा। अब हम कैम्बियम या एधा की संरचना की जब बात करते हैं तो कैम्बियम की संरचना की बात करते हैं तो कैम्बियम जो प्रारूपी कैम्बियम है यह विभाजित की कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक स्तरीय संरचना होती है, जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं हमें देखने को मिलती है, जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर के अंतर्गत देख रहे हैं। प्रथम प्रकार की जो कोशिका है जिसे हम तरकु रूपी आद्यक कोशिकाएं कहते हैं, ये कोशिकाएं चौड़ाई में कम एवं लंबाई में अधिक तथा तरकु रूपी होती है अर्थात तरकु आकृति की होती है। ये तरकु रूप आद्यक कोशिकाएं तने के अक्षीय तंत्र का निर्माण करती है। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उन्हें हम रश्मि आद्यक कोशिकाएं कहते हैं, ये अपेक्षाकृत समव्यासीय और चौड़ी लंबी कोशिकाएं होती है जो तने के अरीय तंत्र का निर्माण करती है। कैम्बियम उत्तक की कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका या अनेक छोटी रिक्तिकाएं, एक बड़ा केंद्रक एवं परिधीय जीवद्रव्य की पतली परत होती है।
इन कोशिकाओं की स्पष्ट रेखीय भित्ति अरीय भित्ति की तुलना में पतली होती है एवं ये भित्तियां आपस में जीवद्रवीय तंतुओं अर्थात प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से जुड़ी होती है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कैम्बियम कोशिकाओं में विभाजन होता है। कैम्बियम कोशिकाओं के में विभाजन की बात करते हैं तो कैम्बियम कोशिकाएं सामान्यतः परिणतिक या स्पर्शरेखीय तल में कोशिका विभाजन करती है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो प्रत्येक कैम्बियम कोशिका विभाजित होकर के दो संतति कोशिकाएं बनाती है, जिनमें से एक कोशिका जनक कोशिका के समान विभाजित की प्रकृति अपनी धारण की रखती है और निरंतर विभाजन होती रहती है, और इसके विपरीत दूसरी जो डॉटर सेल है वह स्थिति के अनुसार जाइलम मात्र कोशिका और फ्लोएम मात्र कोशिका के रूप में व्यवहार करती है। अब है कि कैम्बियम की जो अपन कार्यशीलता की बात करते हैं, कैम्बियम की कार्यशीलता की बात करते हैं तो विभिन्न पौधों के अंदर सामान्य कैम्बियम की कार्यशीलता की दर समय के साथ विविधता दर्शाती है। सामान्यतः कैम्बियम की सक्रियता बाहरी व आंतरिक दोनों कारकों के द्वारा विभाजित रहती है। अधिकतर उष्णकटिबंधीय पौधों के अंतर्गत कैम्बियम वर्ष पर्यंत कार्यशील रहती है, जिसके फलस्वरूप इन प्रकार के पौधों में द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप वार्षिक वल्लियों का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि पूरे वर्ष मौसम एक समान रहने के कारण कैम्बियम की क्रियाशीलता की दर समान रहती है। इसके विपरीत अनेक क्षेत्रों में मौसम का परिवर्तन महसूस किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे पतझड़ के मौसम में कैम्बियम की सक्रियता बहुत कम हो जाती है, वहीं दूसरी ओर बसंत ऋतु अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में कैम्बियम अत्यधिक सक्रिय होता है। तो कैम्बियम की कार्यशीलता में मौसम के अनुसार परिवर्तन के कारण इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों के अंतर्गत द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप वार्षिक बल्लियों का निर्माण होता है। रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है वो दो क्षेत्रों में होती है, एक होती है रंभ क्षेत्र में, दूसरी होती है बाह्य रंभीय क्षेत्र में। रंभ क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो होती है सामान्यतः के द्वारा, जबकि बाह्य रंभीय क्षेत्र में जो वृद्धि होती है वो होती है काग्यता के द्वारा। रंभ क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो रंभ क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत जब आप देखते हैं कि तने के अंतर्गत सवहन बंडल जो कि अरीय व्यवस्था में पाए जाते हैं, ये सवहन बंडल संयुक्त समपार्श्विक एवं ओपन प्रकार के होते हैं, अर्थात बंडल के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम दोनों हैं, दोनों के बीच में आपको कैम्बियम की एक छोटी पट्टिका नजर आती है, और ये कैम्बियम की पट्टिका जो कि प्राथमिक विभाजक प्रोकैम्बियम से विकसित होती है। इस कैम्बियम की कोशिकाएं उद्दीप्त होकर के द्वितीयक प्रकार के विभाजक का निर्माण करती है, जिसे हम कैम्बियम या वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं। इस सामान्य बंडल की कैम्बियम के द्वारा जो कोशिकाएं विकसित की जाती है वो कोशिकाएं बाद में दो सवन बंडलों के बीच में एक कैम्बियम
पट्टी का डेवलप करती है, और इस प्रकार से सभी सवर्ण मंडलों के मध्य कैम्बियम पट्टिका के बन जाने के बाद में ये सारी कैम्बियम पट्टिकाएं आपस में जुड़ करके एक कैम्बियम वलय का निर्माण करती है। इस कैम्बियम वलय में दो प्रकार की एदा पाई जाती है। एक एदा होती है अंतरापुलीय एदा, जो कि सवर्ण मंडल के अंदर पाई जाती है, और दूसरी जो एदा वो है दो सावन मंडलों के बीच में पाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, दो सावन मंडल है, इनके बीच में जो एदा है इसको बोलेंगे हम अंतरपुली एदा, और सावन मंडल के भीतर विद्यमान एदा को हम बोलेंगे अंतरापुली एदा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतरापुलीय एवं अंतरपुली एदा दोनों पट्टिकाओं के मिल जाने से एक पूर्ण एदा वलय का निर्माण होता है, और इस एदा वलय के द्वारा बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम जबकि भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से द्वितीयक फ्लोएम बाहर की ओर और द्वितीयक जाइलम भीतर की ओर बढ़ने से तने की मोटाई में वृद्धि होती है, जो कि उच्च वर्गीय पौधों के का एक अभिलाक्षणिक लक्षण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रम्भ क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है वह सवनी एदा के द्वारा उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं कि द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप जो निर्मित उत्तक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो कि द्वितीयक प्रकृति के होते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम के नाम से जानते हैं, इनके संरचना की बात करें तो द्वितीयक जाइलम के अंतर्गत हमें वाहिनिका, वाहिका, अगर हम बात करेंगे तो अनावृत बीज के अंतर्गत फिड्रा के अंतर्गत द्वितीय जालम को छोड़कर शेष समस्त जिम्नोस्पर्म में है जो ये अनुपस्थित होती है वाहिकाएं। जाइलम तंतु और जाइलम मर्दुतक, ये समस्त घटक मिलकर के द्वितीयक जाइलम का निर्माण करते हैं। फिर हम बात करते हैं अगर द्वितीयक फ्लोएम की, तो द्वितीयक फ्लोएम के अंतर्गत चालनी तत्व सह कोशिकाएं फ्लोएम दृढ़ो तक एवं फ्लोएम मर्दु तक, ये समस्त घटक मिलकर के द्वितीयक फ्लोएम की संरचना करते हैं। अब हम देखते हैं कि वार्षिक वलय बहुवर्षीय काष्ठीय वृक्षों के तनों में कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप है जो द्वितीयक वृद्धि होती है। जब कैम्बियम की सक्रियता पूरे वर्ष एक समान नहीं रहती है, अर्थात बसंत ऋतु में सवन कैम्बियम अधिक सक्रिय होता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीयक जाइलम का निर्माण भी अधिक मात्रा में होता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों अर्थात शरद ऋतु में निम्न तापक्रम एवं अन्य परिस्थितियों के कारण कैम्बियम की सक्रियता की दर में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रतिकूल समय में द्वितीयक जाइलम का निर्माण कम मात्रा में होता है। इसके फलस्वरूप
दोनों ऋतुओं में, सॉरी, दोनों ग्रोइंग सीजन में बढ़ने वाले ऋतिक जैलम की प्रकृति में अंतर होता है। बसंत ऋतु में बढ़ने वाली द्वितीयक जाइलम कोशिकाएं शरद ऋतु की जाइलम कोशिकाओं की तुलना में साइज में बड़ी एवं संरचनात्मक रूप से अलग होती है। बसंत ऋतु में बढ़ने वाले द्वितीयक जाइलम ऊतकों को हम बसंत काष्ठ कहते हैं। इसके विपरीत शरद ऋतु में बढ़ने वाली काष्ठ की कोशिकाएं छोटी आकृति की एवं मोटी भित्ति की होती है, जिसको हम शरद काष्ठ कहते हैं। कोशिकाओं की असमानता के कारण बसंत काष्ठ एवं शरद काष्ठ दोनों अलग अलग वल्लियों के रूप में व्यवस्थित होती है, और ऐसे समय अगर तन्य का हम अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो इसमें हमें एकांतर क्रम में बनी हुई विभिन्न मोटाइयों की संकेंद्रित परतें दिखाई देती है, जिस आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन वल्लियों या परतों को हम वार्षिक वलय कहते हैं। वार्षिक वलयों की गिनती करके वृक्ष की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, और इस प्रक्रिया को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी अर्थात वृक्ष कालानुक्रमण कहते हैं। अब है परित्वक। परित्वक प्राय काष्ठीय झाड़ियों एवं वृक्षों के तनों एवं पुरानी शाखाओं में तथा जड़ों के सतह पर पाई जाती है। और परित्वक हम सभी जानते हैं कि तीन प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बनी होती है, कोर कैम्बियम के बाहर की ओर कॉर्क और भीतर की ओर दीप्तिक वल्कुड। इस प्रकार से बाहर से भीतर की ओर हम देखें तो सबसे बाहर की ओर अब कॉर्क, फिर कॉर्क कैम्बियम और उसके नीचे की तरफ द्वितीयक वल्कुट, ये तीनों स्तर मिलकर के परित्वक का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि परित्वक का जो निर्माण होता है वो कॉर्क कैम्बियम से होता है। तो कॉर्क कैम्बियम से किस प्रकार से कोर की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार से है जो इन सभी तत्वों से मिलकर के परित्वक का निर्माण होता है। परित्वक के निर्माण में इन तीनों स्तरों के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि जो द्वितीयक वृद्धि होती है बाह्यरम्भीय क्षेत्र में, उसे हम बाह्यरम्भीय द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और यह बाह्यरम्भीय द्वितीयक वृद्धि एंडोडर्मिस से बाहर की ओर स्थित तने के उत्तकी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बाह्य त्वचा आपकी अधोत्वचा, वल्कुट और एंडोडर्मिस तक, इस तरह विभिन्न प्रकार के उत्तकी क्षेत्रों की में से किसी भी स्तर की उत्तक स्तर की मनुत्तक की कोशिकाएं विभाजन की क्षमता धारण कर लेती हैं। और जब ये मनुत्तक की कोशिकाएं विभाजन की प्रक्रिया धारण कर लेती है, इस प्रकार की कोशिकाओं को हम कोर कैम्बियम कहते हैं। और ये कोर कैम्बियम कोशिकाएं अपने विभाजन के द्वारा बाहर की ओर कॉर्क और भीतर की ओर द्वितीयक पुलकुट का निर्माण करती है। इसकी उत्पत्ति, कॉर्क की उत्पत्ति का जो कारण है वो है कि जब द्वितीयक वृद्धि अंदर रम्भीय क्षेत्र में होती है तो उसके फलस्वरूप बनने वाले द्वितीयक उत्तकों के कारण तने के केंद्रीय भाग में बनने वाले द्वितीयक उत्तकों के कारण बाह्य रम्भीय क्षेत्र के उत्तकों पर दबाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप बाह्य परतियों क्षेत्रों में तनाव बढ़ जाता है, उसके फलस्वरूप बाह्य त्वचा परत है जो जगह जगह से फटने लगती है। जब बाह्य
बाह्यतम सुरक्षा परत फटने लगती है तो भित्तर के ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु बाह्य त्वचीय परत के नीचे की तरफ के ऊतकों के अंतर्गत कुछ मृत्यु की कोशिका विभाजन होकर कोर्क कैम्बियम बना देती है, और कोर्क कैम्बियम की जो परतें होती है वो बाहर की ओर कोर्क बनाती है और भीतर की तरफ सेकेंडरी ब्लड कोट। ये कोर्क है जो अंदर के ऊतकों को सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि कोर्क और कोर्क कैम्बियम और उसके बाहर की तरफ आपको हाइपोडर्मिस और क्यूटिकल ये सुरक्षा तो परतें दिख रही है जो कि पौधे के भीतर के द्वितीयक ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह कोर्क कैम्बियम द्वारा विकसित तीनों प्रकार की जो लेयर है जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कोर्क, कोर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, यह तीनों परतें मिलकर के आपके है जो परित्वक का निर्माण करते हैं जिसे हम पेरिडर्म कहते हैं। परित्वक के निर्माण के पश्चात उसकी बाहर की ओर स्थित परतें जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस और क्यूटिकल, ये है जो सुरक्षात्मक आवरण है जो रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। थैंक्स।